ये रिस्ट बैंड बहरे लोगों को सुनने में मदद करती है। मुझे पता है कि ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये आपको एक फेक न्यूज लग रही होगी, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट कीजिए क्योंकि ये गलत नहीं है। चलिए इसके पीछे जो आदमी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय नुसीर यासिन। कैलिफोर्निया में डेविड रहते हैं। इन्होंने एक रिस्ट बैंड बनाई है जो कि इंसानों के लिए नए सेंस की तरह काम करती है। डेविड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यूरो साइंटिस्ट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है पूरे वर्ल्ड में। डेविड एक इंजीनियर भी है जो कि बहरे लोगों के साथ बड़े हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने यह सीखा कि बहरे लोग सुन नहीं सकते हैं, इस वजह से बहरे लोग अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। डेविड कहते हैं कि जब आप अपने किसी एक सेंस को खो देते हैं तो दूसरे सेंस उसकी जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से अंधे लोग ज्यादा सुन सकते हैं और बहरे लोग ज्यादा देख सकते हैं। लेकिन यह तो सच है कि आंखें पूरी तरह से कान की जगह नहीं ले सकती हैं। इसलिए डेविड ने सोचा क्यों ना वो एक मशीन या डिवाइस बनाए जो कि बहरे लोगों को सुनने में मदद करे उनके दूसरे सेंस को यूज करके, जैसे कि टच। और इसलिए डेविड ने ये टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी पीस को तैयार किया है। ये आपके आसपास के सारे साउंड को कैप्चर करता है और लैंग्वेज को भी कैप्चर करके ये उसे वाइब्रेशन में ट्रांसलेट करता है। इस तरीके से साउंड टच बन जाती है और बहरे लोग अपने आसपास के वर्ड को सेंस कर सकते हैं। ये क्रेजी है। डेविड का रिस्टबैंड सिर्फ बहरे लोगों के लिए नहीं है, वो उनके लिए एक आईफोन के जैसे है जिसमें उसका खुद का ऐप स्टोर भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लाइंड हैं तो वो लोग एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो कि साउंड की मदद से आपको देखने में मदद करेगा। डेविड कहते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हम लोग उनकी इकोलोकेशन को यूज करते हैं, जिससे कि ये छोटी डिवाइस गुनगुनाहट भेजती है और रिस्टबैंड फील करता है कि क्या वापस आया है, जिसकी वजह से यह पता चल जाएगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट के पास हैं या दूर हैं। डेविड ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो कि लोगों के इमोशंस को वाइब्रेशन में ट्रांसलेट करे, जो कि उनको दुनिया के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। लेकिन ये एक पहला कदम है, क्योंकि डेविड सोचते हैं कि एक दिन बिना किसी डिसेबिलिटी वाले लोग भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे सुपर ह्यूमंस बनने के लिए। डेविड ने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी को स्टार्ट किया है सिर्फ ये सब करने के लिए। वो अपनी न्यूरोसाइंस पीएचडी और एक्साइटमेंट के साथ ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ महान करेंगे। डेविड के जैसे इंजीनियर ही दुनिया को बदलेंगे। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू कीप देम मोटिवेटेड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे से आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।